राज्य सरकार गरीब और असहाय मरीजों के इलाज की संपूर्ण व्यवस्था करेगी। स्वास्थ्य विभाग के राज्य में अबुआ स्वास्थ्य योजना शुरू करेगा। इसके तहत गरीबों का 15 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होगा। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के गरीबों के बेहतर और पुख्ता इलाज के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 15 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य में अबुआ स्वास्थ्य योजना से मिलेगा गरीब मरीजों को लाभ। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत 15 लाख का इलाज निःशुल्क। झारखंड के 33 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा सबसे पहले लाभ। राशन कार्ड धारी जरूरतमंदों को अबुआ स्वास्थ्य योजना में किया जाएगा शामिल। झारखंड अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हम लोग लागू करने जा रहे हैं। इसमें बहुत शीघ्र ही आप देखेंगे कि अभी जो आयुष्मान भारत के तहत भारत सरकार 5 लाख तक का इलाज करती थी, इसमें अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत हम लोग 15 लाख तक का फ्री में इलाज जो आयुष्मान के जो कार्ड होल्डर्स थे उनके जगह अबुआ स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा और जो भी अबुआ स्वास्थ्य कार्ड के कार्ड धारक होंगे उनको फ्री में 15 लाख तक का इलाज जो है वो कराया जाएगा। राशन कार्ड यदि नहीं है और राशन कार्ड के यदि अर्हता को पूरा करते हैं तो वो नया राशन कार्ड बना सकते हैं और उनको भी मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। राज्य सरकार अस्पतालों को फंड भी देगी ताकि राज्य सरकार और विभाग पर निर्भरता खत्म हो। अस्पताल की बेहतर व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन और रखरखाव योजना शुरू की जा रही है। सदर अस्पतालों को हर साल 75 लाख रुपए मिलेंगे। अनुमंडल अस्पतालों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। सीएचसी को हर साल 10 लाख रुपए मिलेंगे। पीएचसी को हर साल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना लागू की है और इसके तहत हम लोग सदर हॉस्पिटल हैं इनको 75 लाख रुपए, जो अनुमंडल हॉस्पिटल हैं उसको 50 लाख रुपए, जो सीएससी हैं उसको 10 लाख रुपए, पीएससी को 5 लाख रुपए और जो हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र या आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं उनको 2 लाख रुपए प्रति वर्ष अनटाइड फंड के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार अब मेंटरिंग स्कीम भी शुरू कर रही है। इसके तहत बड़े सदर अस्पताल दूसरे जिले के सदर अस्पतालों को गाइड करेंगे ताकि बेहतर चिकित्सा सुविधा और सेवा उपलब्ध हो सके। मेंटरिंग स्कीम चालू किया है, मेंटरिंग स्कीम जिसके तहत कि जो हॉस्पिटल अच्छे काम कर रहे हैं उसको हम लोग मेंटोर नियुक्त कर रहे हैं। जैसे रांची सदर हॉस्पिटल खूंटी सदर हॉस्पिटल का मेंटोर होगा और उसको गाइड करेंगे कि खूंटी सदर हॉस्पिटल को कैसे बेटर बनाया जाए। तो ये जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं और जो हॉस्पिटल इनका जो टीम है वो टीम हमको अब छोटे हॉस्पिटल्स खूंटी है लोहरदगा है उनको गाइड। राज्य वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही ऐसी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सहयोगी कौशल के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।